वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स। टुडे वी सी चैप्टर 6 ऑफ 6 क्लास सहायक वाचन योग शिक्षा मुद्राएं। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए बच्चों, हम चैप्टर 6 मुद्राएं को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। सामान्यतः शरीर के अंगों को एक विशेष प्रकार की स्थिति में लाने को मुद्रा कहते हैं, ठीक है। शरीर के अंगों को एक विशेष प्रकार की स्थिति में लाने को मुद्रा कहते हैं। मुद्राओं का सीधा प्रभाव नाड़ियों तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ने से वे बलिष्ठ कार्यक्षम तथा नियमित होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मुद्राओं का अभ्यास महत्वपूर्ण है, ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से मुद्राओं का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। हाथों की मुद्राओं का भी भारतीय योग शास्त्र में बहुत महत्व है, ठीक है। हाथों की मुद्राओं का भी भारतीय योग शास्त्र में बहुत ही महत्व है। इन मुद्राओं के माध्यम से कई शारीरिक विकारों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। इनके माध्यम से कई शारीरिक विकारों को दूर किया जा सकता है। हमारी हथेलियों के अपार ऊर्जा है, ठीक है। हमारी उंगलियां उस ऊर्जा के अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे अंगूठा अग्रि तत्व, तर्जनी उंगली वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका जल तत्व, ठीक है। कुछ प्रमुख मुद्राओं का उल्लेख किया जा रहा है जो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर कुछ मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर क्या है? ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा के लिए अंगूठे और तर्जनी के ऊपर के भाग को एक दूसरे से मिला कर रखिए, ठीक। इस मुद्रा में हमें अंगूठे और तर्जनी के ऊपर के भाग को एक दूसरे से मिलाकर रखना है, ठीक है। दबाव न दे, कम से कम इसे 5 से 10 मिनट तक करें, ठीक है। दबाव नहीं देना है, दबाना नहीं है, और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है, ठीक है। इससे मानसिक शक्ति, स्मृति एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है। मानसिक शक्ति बढ़ती है, स्मृति एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। यह मुद्रा सुखासन, पदासन या किसी भी अध्यात्म ध्यानात्मक आसन में बैठकर करें, ठीक है। यह मुद्रा हमें पद्यासन में करनी है, सुखासन में करनी है, या किसी भी प्रकार की ध्यानात्मक आसन में बैठकर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड मुद्रा, प्राण मुद्रा। इस मुद्रा में अनामिका और कनिष्ठिका उंगली के आगे के भाग को अंगूठे से मिला ये, ठीक है। इस मुद्रा में हमें अनामिका उंगली जो होती है और कनिष्ठिका उंगली होती है, यानी कि जो रिंग फिंगर होती है और जो लिटिल फिंगर छोटी वाली होती है, उन दोनों को थंब अंगूठे से मिलाना है, ठीक है। इसे भी कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है, ठीक है। इसे हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए, ठीक है। यह मुद्रा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह मुद्रा शरीर को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। निराशा को दूर करती है, नेत्र की ज्योति बढ़ाती है, ठीक है। निराशा को दूर करती है और नेत्र की ज्योति को बढ़ाती है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में इसका अभ्यास करें, ठीक है। कोई सा भी ध्यानात्मक आसन हो उसमें इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड स्टेप, थर्ड मुद्रा कौन सी है देखेंगे, ठीक है। अपान वायु मुद्रा, थर्ड मुद्रा है अपान वायु मुद्रा, ठीक है। तर्जनी उंगली को नीचे झुकाकर उसके ऊपर से अनामिका और मध्यमा के आगे के भाग के अंगूठे के आगे वाले भाग से मिलाइए। हाथ साथ ही कनिष्ठा उंगली को ऊपर उठाकर रखिए, ठीक है। और जो कनिष्ठ यानी कि लिटिल फिंगर, जो लास्ट वाली फिंगर होती है, उसको उठाकर रखना है। इस मुद्रा के माध्यम से
हृदय की क्रियाशीलता में अभिवृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम ये मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो इससे हृदय की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अध्यात्मक आसन में बैठकर ये अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ध्यानात्मक कोई सा भी ध्यानात्मक आसन हो उसमें बैठकर हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुद्रा देखेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म के चार मुख की भांति इस मुद्रा में गर्दन को चारों दिशा में घुमाते हैं, इसीलिए इसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इस मुद्रा में मुख की भांति इस मुद्रा में गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाया जाता है। ठीक है, गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाकर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड मुद्रा, थर्ड मुद्रा और ये फोर्थ मुद्रा। ठीक है, विधि देखेंगे इसको किस प्रकार करते हैं। ठीक है, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठकर की बैठ जाइए। ठीक है, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। पीठ सीधी, आंखें बंद एवं हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। ठीक है, पीठ को हमें सीधी रखनी है, स्ट्रेट एकदम, और आंखें बंद एंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। ठीक है, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में हाथों को रखना है। ठीक है, गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी दिशा में घुमाएं। गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी दिशा में घुमाएं। अंतिम स्थिति में पहुंचकर कुछ क्षण रुकें। ठीक है, अंतिम स्थिति में पहुंचकर कुछ क्षण के लिए हमें रुकना है, फिर वापस पूर्व स्थिति में गर्दन को धीरे धीरे ले आए। ठीक है, इस तरह गर्दन को बाएं ऊपर व नीचे, ठीक है, पहले दाहिनी दिशा में ले जाना, उसके बाद बाहें बाईं साइड पर, और उसके बाद थर्ड नंबर पे ऊपर की ओर ले जाना है गर्दन को, और फोर्थ नंबर पे गर्दन को नीचे लाना। ठीक है, धीरे धीरे करके इसकी सावधानियां देखेंगे, क्या क्या सावधानी। गर्दन घुमाने की दिशा चारों दिशा में एक समान रहे। ठीक है, गर्दन को घुमाने की गति चारों दिशा में एक समान होनी चाहिए। अभ्यास एक बार ही करें। ठीक है, ये अभ्यास हमें सिर्फ ओनली वन टाइम, ठीक है, एक बार ही करना है। इसके लाभ देखेंगे, क्या क्या लाभ है। मन शांत होता है। ठीक है, इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती, स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। कंधे एवं गर्दन के रोगों के निवारण में सहायक है, और स्पेंडोलाइटिस गर्दन नामक रोग को दूर करने में सहायक है। ठीक है, स्पेंडोलाइटिस नामक रोग को दूर करने में सहायक होता है। ठीक है,